बड़े और छोटे आज पिकनिक पर जा रहे हैं। देखो मिसेस मेहता फल इकट्ठे कर रही हैं। अरे वाह, सेब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। घर जाने का टाइम हो गया। ए, क्या ये मिसेस मेहता है? हेलो मिसेस मेहता। मिसेस शर्मा, मिसेस अरोड़ा, आप लोग यहाँ कैसे? लीजिए सेब लीजिए। शुक्रिया, ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। मिसेस मेहता, अब आप कहाँ जा रही है? मैं तो बड़े और छोटे के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। एक मिनट, ये मेरे घर के बागीचे का है, इसे आप अपने परिवार के साथ खाना। हाँ? आप कितनी अच्छी हैं। अरे इसे रख लीजिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं चाहती हूँ आप इसे ले ले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। क्यों ना एक काम करें, हम लोग चाय पर मिले। बहुत बढ़िया। बच्चों, मैं आ गई। तुमने मुझे याद किया? मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। थोड़ी देर रुको, तुम्हारी पसंद का कुछ खिलाती हूँ। ठीक है मम्मी। तुम दोनों खेलो, मैं अभी आई। याद रखना, ये लाल कपड़ों से ढकी फलों की टोकरी पिकनिक के लिए है। ठीक है मम्मी। मैं जीत गया। अरे उठो, हमें चलना है। जल्दी करो बड़े। अरे चलो, मेरे लिए रुको, फलों की टोकरी लाना याद रखना। इसमें से कौन सी वाली? मम्मी ने कहा था लाल वाला या नीला वाला। आ रहा हूँ, ये वाली। चलो चले, जल्दी करो, तुम लेट हो। पिकनिक की तैयारी करते हैं। मेरे पास है केले का स्वादिष्ट बन, केले के चिप और केले। अरे जरा वो टोकरी तो निकालो जो मम्मी ने हमें दी है। ये किस प्रकार का फल है? मुझे तो कुछ पता नहीं। हो सकता है मैं गलत टोकरी ले आया। क्या तुम्हें लगता है कि एक फल है? मैंने कभी नहीं देखा। क्या मैं देख सकता हूँ? मुझे लगता है ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। चलो खा के देखते हैं। बड़े, हम नहीं जानते कि ये कौन सा फल है, हम ये नहीं खा सकते। हमें किससे पूछना चाहिए कि ये क्या है। ये क्या मंगू है? ये क्या है? ये मूली की तरह दिखता है, पर ये बैंगनी क्यों है? मूली? क्या कोई यकीन है? शायद नहीं, पर इसकी खुशबू उसी की तरह है, लेकिन ये इतना छोटा क्यों है? तो क्या ये वो नहीं है? मैंने ऐसी मूली पहले कभी नहीं देखी। मुझे अब जाना होगा, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। जाकर किसी और से पूछते हैं। ठीक है। किसी को भी पता नहीं है कि ये कौन सा फल है। शायद मुझे पता है। ये एक प्रकार का खिलौना है। ओहो, लल्लू, अब मैं समझदार हूँ। अब ये देखो। लल्लू, तुम इसे तोड़ दो। मेरा फल। शुक्र है ये ठीक है। छोटे, लगता है
खास चीज है जो मम्मी ने खास पिकनिक के लिए तैयार की है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ये खाने में बहुत अच्छा होगा। चलो खाकर देखते हैं। क्या सच में? लगता है हमें इसे छीलना चाहिए। देखते हैं अंदर क्या है। मैं मदद करता हूँ। मैं भी। ये तो अंदर से भी गुलाबी है। आछू। इसकी महक तो पहले से भी बहुत तेज हो गई है। आछू। इससे तो मेरे आंसू निकल आए हैं। आछू। ये तो और भी तेज होती जा रही है। चलो दूर से। मेरा रोना बंद नहीं हो रहा है। मेरी आंखें बहुत जल रही है। सही कहा मुन्ना, अब मैं भी और नहीं रो सकता। लगता है ये मम्मी की कहानियों से आया है। हमने इसे चोट पहुंचाई है तो शायद ये हमसे गुस्सा है, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था जब मैंने इसे लात मारी थी। हाँ, सही कहा। मुझे पता है क्या है, मैंने इसे पहले भी देखा हुआ है एक मोटी सी किताब में। तो ये क्या है? ये धुएं वाला बॉम्ब है। ये फट सकता है। हमें यहाँ से भागने चाहिए। कोई अभी तक क्यों नहीं आया? छोटे मुन्ना लल्लू, तुम सब वहाँ पर क्यों छुपे हो? बड़े, तुम क्यों रो रहे हो? मैं रो रहा हूँ क्योंकि वहाँ टेबल पर एक धुएं का बम रखा है। क्या, टेबल पे धुएं वाला बम? जैसा कि उस मोटी किताब में था। ये बैंगनी है और गोल भी, और फट भी जाता है। वो फट सकता है? वो धुएं का बम है, उसने हम सबको रुला दिया। बबली, क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? बबली, तुम वापस आ जाओ। इसे डरने की बात नहीं है। हम इसे प्यास कहते हैं। ये कोई बम बम नहीं है और ये विस्फोट होने वाला नहीं है। ये दूसरी सब्जियों की तरह ही एक सब्जी है। बबली, क्या हम इसे सच में खा सकते हैं? पर उसने मुझे सच में रुला दिया, ये ठीक नहीं है। प्याज को कच्चा भी खाया जाता है और पका के भी। ये मुझे बहुत पसंद है। ये लो, तुम भी खा कर देखो। तुम सबको भी ये बहुत पसंद आएगा। लगता है मुझे खाना चाहिए। ये कैसा है? अच्छा है। तो ये खाने में कैसा है? पसंद आया? ये थोड़ा मसालेदार है पर मीठा भी है। बबली, प्याज खोलने पर आंसू क्यों आते हैं? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। क्यों ना हम इस बारे में मम्मी से पूछें? उनको ये जरूर पता होगा। बच्चों देखो, इस प्याज को ऐसे मिट्टी से निकाला जाता है। ये वास्तव में आपके लिए अच्छे है। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं। तो चलो अंदर चलते हैं और इसे पकाते हैं। ठीक है। बच्चों अब ध्यान से सुनो, प्याज में एक तरीके का सल्फाइड होता है जो हमारी आँखों को परेशान करता है। जब प्याज खुल जाती है तो सल्फाइड पूरी हवा में फैल जाता है और फिर ये हमारी आँखों में समा जाता है। इसलिए जब हम इसे काटते हैं तो हमें रोना आता है। तो क्या हम हमेशा रोएंगे? वास्तव में जब हम प्याज काटते हैं तो रोने से बचने के लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले एक बर्तन में पानी ले लो और फिर प्याज के दो टुकड़े करके इसमें डाल दो। सल्फाइड पानी में बह जाएगा और फिर आपको रोना नहीं आएगा। मिसेस अरोड़ा, अगर हम प्याज को फिर बाहर निकालेंगे तो क्या फिर आंसू आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सल्फाइड अब पूरी तरीके से निकल चुका है। अब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझ गया। मैं अब सभी के लिए एक प्याज का सलाद बना रही हूँ। ये रहा। फिर बताओ कैसा लगा? तो फिर एक प्याज हमें रुला सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है। हाय दोस्तों, मुझे अब उम्मीद है कि अब आप जानते होंगे कि प्याज हमें क्यों रुलाता है। हमने बहुत कुछ सीखा। अपने मम्मी पापा को भी ये बात जाकर बताओ। फिर मिलते हैं। बाय।